हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की ट्रिक की काफी लोग काफी सारे डिमांड्स करते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड से पैसा बैंक अकाउंट में लेना है, कोई ट्रिक बताइए, कोई ऑफर बताइए, हमें यहाँ पेमेंट करना है, हमें यहाँ पे यूज करना है, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए फिर से एक नई ट्रिक या कह लीजिए एक नया ऑफर लेके आ गया हूँ, जहां से आप अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके बिल्कुल फ्री में क्रेडिट कार्ड लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। साथ ही आपको एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलेगा। यही नहीं दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि आप रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके मर्चेंट क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि केवल रुपए कार्ड नहीं, इवन वीजा मास्टर कार्ड को यूज करके भी आप यूपीआई या क्यूआर कोड स्कैन करके भी अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंस्टेंटली बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त है, आपके काफी काम आने वाला है, साथ ही बिल्कुल फ्री में आपकी लिमिट भी बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपील करूंगा, चैनल पे आप मेरे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लीजिए, ताकि इस तरह की काम की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, यहाँ पे हर तरह के लूट ऑफर्स की अपडेट्स मैं देता हूँ, अच्छा बेनिफिट आप यहाँ से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड लिमिट को बिल्कुल फ्री में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का ये ऑफर निकल के आ रहा है ईज माई डील की तरफ से। ईज माई डील तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता दूं, ये एक बहुत ही जेन्युइन एप्लीकेशन है। यहाँ से मैंने हजारों बार पहले अमेजोन गिफ्ट कार्ड बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है काफी नॉमिनल रेट पे, लेकिन अभी अमेजोन वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। आज हम बात करेंगे ईज माई डील को यूज करके आप अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपकी लिमिट ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, ईज माई डील एप्लीकेशन को जैसे मैंने ओपन किया, सामने मेरे एक ये बैनर आ गया, मेड इन इंडिया क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट /UPI, यानी अब आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी सेंड कर सकते हैं या फिर सीधे UPI के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर चाहे वो रुपए क्रेडिट कार्ड हो, वीजा हो या मास्टर हो, किसी भी वेरिएंट का कार्ड हो, और पैसे भी आपके इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आप रेंट पेमेंट भी करेंगे तो आपको अप टू 500 रुपीज तक का कैशबैक मिल सकता है। तो मैंने दोस्तों एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लिंक पे क्लिक करके प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आप ईज माई डील एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप को आप जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह की आपके सामने होम स्क्रीन आ जाएगी। आपको सबसे पहले दोस्तों अपनी KYC यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। KYC कंप्लीट करने के लिए बॉटम में आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगी जहां पे लिखा हुआ है मोर, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आपको KYC वेरिफिकेशन बोल के ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको अपनी फुल KYC कर लेनी है। फुल KYC करने के लिए आपको आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। फुल KYC होते ही आपके ईज माई डील वॉलेट की लिमिट भी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, फिर आप बड़े बड़े अमाउंट भी बड़े आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे। तो आपने अपने जिस भी नाम से अकाउंट बनाया है उसी नाम से आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड सबमिट करके आप फुल KYC कर लीजिए, KYC इंस्टेंटली हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए, मेरा फुल KYC अकाउंट है, मेरी KYC ऑलरेडी हो चुकी है। अब आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे एक बैनर देखिए, स्कैन एंड पे वाया क्रेडिट कार्ड। अब आप किसी भी QR कोड को स्कैन करके अपने क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि ये मर्चेंट QR कोड ही होना चाहिए, आप पर्सनल QR कोड पे भी पेमेंट सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्कैन एंड पे वाया क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ देखिए, मैंने स्कैन करके अपने एक भारत पे के QR कोड को स्कैन किया। यहाँ पे मैं अमाउंट एंटर कर रहा हूँ 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे दोस्तों आपको हाउस रेंट को चेंज करके ट्यूशन फी कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ देखिए, 3 ऑप्शंस मुझे पेमेंट करने के मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, चूज सर्विस, क्विक ट्रांसफर 1.7%, इंस्टेंट ट्रांसफर, लेजी ट्रांसफर 1.35%, नेक्स्ट बिजनेस डे और स्लो ट्रांसफर 1%, थर्ड बिजनेस डे। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम आप जब ट्रांसफर करेंगे ईज माई डील को यूज करके क्रेडिट कार्ड से बैलेंस को बैंक अकाउंट में, तो उस केस में आपको स्लो ट्रांसफर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 72 बिजनेस वर्किंग आवर्स में आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। स्लो ट्रांसफर में आपको अभी 1% का चार्ज लगेगा। आप बोलेंगे मैंने तो कहा था फ्री में हो जाएगा, तो दोस्तों 1% का आपको यहाँ पे चार्ज लग रहा है, लेकिन आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से ये ट्रांसफर करेंगे
ऑब्वियसली आपको इस क्रेडिट कार्ड में कम से कम 1% का कैशबैक तो अदर स्पेंड्स पे मिलता ही होगा, जैसे कि अमेजोन आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड, उस पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है। तो यहाँ से आपको 1% का चार्ज लगा, वहाँ पे आपको 1% का कैशबैक मिल गया, तो फ्री में ही तो आपका ट्रांसफर हो गया। इसके अलावा भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलेगा अगर आप सिंपली क्लिक कार्ड को यूज करके ये ट्रांसफर करेंगे, तो वहां पे आपको 1.25% का कैशबैक मिलता है। तो ये ट्रांसफर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड है या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का स्मार्ट क्रेडिट कार्ड है, तो वहां पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, तो आपको 1% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। और आप फर्स्ट टाइम ट्रांसफर करेंगे तो आपको 1% के चार्ज पे स्लो ट्रांसफर का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन मैंने कस्टमर केयर से बात की है इनके, उन्होंने कहा कि अगर आप रेगुलर ट्रांसफर करने लगेंगे तो आपका 1% चार्ज में ही इंस्टेंट ट्रांसफर का ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का जरूरत पड़ती है तो आप अभी ईजमाई डील को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही जेन्युइन एप्लीकेशन है, आपके पैसे भी नहीं फंसेंगे। मैं तो इसे काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे देखिए क्रेडिट कार्ड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, 10,000 के ट्रांसफर पे 10,118 रुपए हमारे कार्ड से कटेंगे, यानी 118 रुपए का टोटल हमें चार्ज लग रहा है। पे पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, चाहे वो रुपए कार्ड हो, वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, यानी कि आपको किसी तरह की बैंक डिटेल एंटर नहीं करनी। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके इंस्टेंटली अपने किसी भी रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीआई एंटर करके भी या फिर बैंक डिटेल एंटर करके भी अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूपीआई का ऑप्शन भी है, एंटर बैंक अकाउंट का ऑप्शन भी है। बस पेमेंट करते समय दोस्तों आप वहाँ ऊपर में हाउस रेंट को चेंज करके ट्यूशन फी कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप हाउस रेंट पेमेंट करेंगे तो आपका आपके क्रेडिट कार्ड पे 1% का एक्स्ट्रा चार्ज क्रेडिट कार्ड कंपनी लगा दे, जो कि बहुत सी कंपनी आजकल लगाती है। यहाँ देखिए जैसे मैं यूपीआई आईडी एंटर करता हूँ, अमाउंट मैंने एंटर किया, आपको स्लो ट्रांसफर को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको 1% का ही चार्ज लगेगा, और अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करके पेमेंट कर दीजिए। यहाँ देखिए मैंने अपने वाइफ के क्यूआर कोड पे स्कैन करके 500 रुपए का पेमेंट किया, स्लो ट्रांसफर जहाँ पे 1% का चार्ज लगेगा उसे सेलेक्ट किया, और मैंने ये पेमेंट वन कार्ड से कर दिया। मुझे मेरे वन कार्ड पे देखिए 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिले हैं। तो आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे उस पर आपको जो कैशबैक मिलता है उससे आपकी 1% की फी भी मेकअप हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जब आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करेंगे तो आप वो पेमेंट चेक एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, वहां पे आपको अप टू 1% का कैशबैक मिल जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा कैशबैक वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस लिमिट को मोबीक्विक एक्स्ट्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां से भी आप अच्छा एक्स्ट्रा कैशबैक निकाल सकते हैं। तो आज ही इस माई डील को यूज करके फ्री में अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें।